हाउ टू राइट अ गुड कंपोजिशन। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए आपका टॉपिक सेलेक्ट करना। जब तक आपने टॉपिक टॉपिक मतलब होता है इस हेडिंग पर आपको एसे लिखना है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये देना है कि टॉपिक कैसा होना चाहिए। टॉपिक वो होना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। सोचिए कोई ऐसे की टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि रीडर आपके जो एग्जामिनर हैं जो आपकी कॉपीज चेक कर रहे हैं क्या वो इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे उसको? ये नहीं, एकदम नहीं पढ़ेंगे। जब आप स्वयं इंटरेस्टेड होकर उसको लिख नहीं रहे हैं, आपको वो टॉपिक था नहीं मन था लिखने का, तो कंटेंट भी अच्छा नहीं आएगा, तो मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए टॉपिक वो चूज करिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसपे आप लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने पर ध्यान क्या देना है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करने का मतलब ये समझते हैं कि वह कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वो टॉपिक वो चीजें जो टॉपिक के आउट चले जाते हैं, नहीं, इसको ध्यान देना है। नेवर गो बियॉन्ड द टॉपिक। आपसे जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेवेंट रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने टॉपिक के चॉइस से स्टिक रहना है। आपसे जो टॉपिक कहा गया है आप उस टॉपिक के अंदर रहिए। फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, पर विद इन दैट सेम टॉपिक एक्सप्रेस करना है। अब अगर टॉपिक पसंद कर लेंगे तो उसके बाद आउटलाइन। ये आउटलाइन क्या चीज होती है? कोई भी टॉपिक को आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं, ये जनरल आप लोग की आदत है। हाँ, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, पढ़ते ही पहले 15 मिनट जो आपको टाइम मिल रहे हैं जिसे हम रीडिंग टाइम कहते हैं, उसमें इसका यूज। सर क्या करेंगे उसमें? आप उसमें अपना जो पहले 5 मिनट हैं या 3 मिनट हैं, 5 से 3 मिनट ज्यादा नहीं, 3 to 5 मिनट लीज क्वेश्चन रीड करिए और अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, प्लान कर लीजिए कि क्या टॉपिक पर मुझे कंपोजिशन लिखना है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। बाकी टाइम मैंने ज्यादा नहीं कहा, 3 से 5 मिनट कहा कि आप क्या करिए, टॉपिक सेलेक्ट करिए। टॉपिक सेलेक्ट करके ताकि जब आपको जब आंसर लिखने की बारी आई शुरू हो, क्योंकि पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, तो जब आप लिखने की बारी आए तो उस समय आप क्या करें, लिखे उसी टॉपिक को जिसको आपने पिक किया है, जिसको आपने सेलेक्ट किया है। टॉपिक को चेंज नहीं करना है लिखने के टाइम पर। जो टॉपिक पे आप लिखने शुरू कर चुके हैं उसका अब आउटलाइन बनाइए। आउटलाइन बनाते समय लैंग्वेज का बहुत ध्यान देना है। अभी पूरा डिटेल मत लिखिए, रफ आउटलाइन बनाइए पहले। क्या सच बताइए आप रफ आउटलाइन बना रहे हैं? जवाब है नहीं। कहेंगे सर इतना टाइम ही कहां है? 30 मिनट्स का टाइम है एसे लिखने के लिए। यस, गाइडलाइंस में क्लियर कट दिया हुआ है, 30 मिनट्स इज द टाइम दैट यू कैन डू फॉर द एसे। इस 30 मिनट्स में आपका 5 मिनट टाइम, 30 मिनट्स, पहले 15 मिनट रीडिंग का टाइम था, उस रीडिंग में आप क्या करेंगे, उस 15 मिनट में से 5 मिनट आप क्या करेंगे, अपने एसे के टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, तय कर लेंगे और उसी टॉपिक को क्या करेंगे फिर करेंगे। उस सिलेक्शन में आप क्राइटेरिया का ध्यान देंगे कि आप किस पे अच्छा लिख पाते हैं, किस टॉपिक को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड है। फिर बचा 10 मिनट रीडिंग टाइम का, उस 10 मिनट को आप क्या करेंगे, रीडिंग टाइम के 10 मिनट को आप इन्वेस्ट करेंगे अनसीन पैसेज रीड करने पे। अनसीन पैसेज को ही ज्यादा टाइम दीजिएगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल। अनसीन पैसेज अगर बहुत लंबा होगा तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा फिर पैसेज पढ़िएगा, और अगर छोटा होगा तो पैसेज पढ़ते जाइएगा और आंसर क्वेश्चन से मिलाते जाइए। क्लियर? तो अब जब आपने राइटिंग शुरू किया तो पहले 5 मिनट का ये टाइम है आपके पास, वो है आउटलाइन प्रिपेयर करना। आउटलाइन को सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है, और आप कोशिश करनी है कि आपकी ग्रामर एक्यूरेट हो, लैंग्वेज सिंपल और प्रिसाइज हो। ध्यान देने लायक बात क्या है, वो है अब पॉइंट आउटलाइन में। जब आप प्लान कर रहे होते हैं ऐसे को, हाँ टॉपिक सेलेक्ट कर दिए हैं, अब आप लिख रहे हैं, तो आपको 5 W's का ध्यान देना है और H का ध्यान देना है। अभी 5 W's और H क्या है, आपको सोचना है टॉपिक के बारे में, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। ये हो गए 5, ये हो गए 5 W's। जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक का 5 W सोचना है। हाँ, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसका 5 W सोचना है, और व्हाट में क्या सोचना है उसके बारे में फैक्ट्स और आइडियाज क्या यूज करेंगे, वेयर में क्या सोचना है, कहां ये टेक प्लेस कर रहा है और क्या आपसे रिलेटेड है कि नहीं है, व्हेन में क्या सोचना है, व्हेन में टाइम के बारे में सोचना है, जब व्हाई के बारे में सोचना है तो क्यों, व्हाई दैट फैक्ट और वो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, हु के बारे में सोचना है कि कौन कौन पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें पीपल कौन कौन से होंगे इसके बारे में सोचना है, और क्या सोचना है, हाउ, हाउ कैसा, इस टॉपिक को कैसे फंक्शनल बनाए, और रिलेवेंट कैसे बनाए और इंटरेस्टिंग बनाए। इसीलिए मैंने कहा 6 चीजें, 5 W और 1 H सोचना है। क्या कहा, सर एग्जांपल से समझाइए कि ये क्या होता है, टॉपिक कैसे हम आउटलाइन क्रिएट करते हैं। अभी दिखाता हूं, एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको जिससे हमने कैसे यूज किया इसको। हाँ, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एन आइडिया फॉर यू, एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और आगे समझ देते हैं, जब हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान देना है कि जो हमारे फैक्ट्स हो, फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन हो, वो प्रेजेंट हो और उससे रिलेटेड हो। टॉपिक से रिलेटेड चीज लिखिए, कई बार आप टॉपिक के बियॉन्ड चीज लिखते हैं, अर्थात वो रीडर को क्या होता है, अर्थात जो एग्जामिनर होता है वो उसको बोर कर देता है, वो उसे क्या करता है, उस पार्ट को हटा देता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स रिपीट कर देते हैं टॉपिक को, जो फर्स्ट या थर्ड पैराग्राफ में कुछ लिखा होता है उसको 5th या 7th पैराग्राफ में भी लिख डालते हैं। प्लीज अवॉइड दिस, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने आउटलाइन में ध्यान देना है कि आपके फैक्ट और आइडियाज कहीं पर एक जगह क्या हो जाए, सीक्वेंस मैरेज हो जाए। तो इसका एक मेट्रिक बता देता हूं आपको, आपके जो आंसर शीट का जो लास्ट पेज है, आंसर शीट का जो लास्ट पेज है, वहां पेंसिल से क्या करिए, आउटलाइन बनाइए। क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे और उसमें ये 5 W और 1 H प्लान करेंगे।
पांच डब्ल्यू टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसे रिलेटेड। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कैसे हम लोग ऐसा करेंगे। ये कर लेंगे तो मैं 100% श्योर हूं आपके जो ऐसे कई बार क्या होता है आपको बहुत मतलब लगता है, मुझे लगता है इरिटेटिंग लगता है, क्या कहते हैं या कई बार लगता है कि मैं ऐसे लिख नहीं पाऊंगा या मुझसे बहुत अच्छा ऐसे नहीं बन पा रहा है, तो ये आपकी समस्या खत्म। आपके थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपने विचारों को कैसे लाना है, मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, सच में ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि कैसे आप ऑर्गेनाइज और प्लान करेंगे। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में आइडिया आनी चाहिए। एक मेरे पास क्वेश्चन है और ये रहा सामने स्क्रीन। अब आपको क्या करना है विंटर सीजन पर, देखिए हमें विंटर सीजन पर क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है? विंटर सीजन पे कोई टॉपिक मिला है हमें विंटर सीजन पे लिखने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फाइव डब्ल्यूज देखना है। क्या चीज? फाइव डब्ल्यू क्या है? वेयर, जिसमें वेयर इज द विंटर टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। वेयर में क्या बताना होता है, मैंने कहा प्लेस बताना होता है। व्हेन इज द विंटर सीजन कमिंग, कब आ रहा है ये बताना है। हाँ, क्योंकि टॉपिक मेरी क्या है, मैंने आपको टॉपिक दिया है विंटर सीजन, ठीक है, टॉपिक है विंटर सीजन। तो उस विंटर सीजन पे फाइव डब्ल्यू पहले सोचना है। मैंने सोचा वेयर, तो मैंने कहा प्लेसेस के बारे में बताएंगे। मैंने सोचा व्हेन, तो टाइम के बारे में बताएंगे। जब हम व्हेन की बात करते हैं, हाँ, जब हम व्हेन की बात करते हैं तो हम प्लेस की, सॉरी टाइम की बात करते हैं। फिर सोचेंगे व्हाई, व्हाई मतलब विंटर में, व्हाई मतलब विंटर क्यों आता है, एक ये रीजन, और विंटर में ठंड लगती है या नहीं लगती है, क्यों लगती है, ठीक है। विंटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचना है। जब आप वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाँ, व्हाट व्हाट टेक प्लेस इन विंटर, है ना, क्या क्या एक्टिविटीज होती है विंटर में, क्योंकि टॉपिक मेरा क्या है विंटर, तो विंटर में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ये रहा डब्ल्यू व्हाट। और ये हु क्या बता रहा है, विंटर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं, क्या नेचर में क्या इफेक्ट आता है, एनिमल्स पे क्या इफेक्ट आता है, ह्यूमन बींग पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये आ गया हु। में जब भी वर्ड आएगा तो आप क्या सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, पीपल के बारे में सोचेंगे, पर्सन के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना, हु में ऐसा सोचेंगे। और हाउ, हाउ में सोचेंगे कैसे, क्या कैसे टॉपिक के बारे में, हाउ पीपल एक्सप्रेस, कैसा लोग महसूस करते हैं, क्या ठंड में लोग कांपते हैं, क्या ठंड उनको लगती है तो कैसा महसूस करते हैं, जी ये है आपका टॉपिक। अब देखिए एक मेरे पास एग्जांपल है कि हमने पांच डब्ल्यू और एक एच को कैसे ऑर्गेनाइज किया। देखिए कुछ इस तरीके से आपको भी बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये आपका आउटलाइन तैयार हो रहा है, रफ आउटलाइन तैयार हो रहा है, आप इसमें पांच मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। कितना टाइम दिया मैंने आपको, आई गेव यू फाइव मिनट, याद रखिएगा इस पांच मिनट के अंदर आपको अपने टॉपिक को जो सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट कब किया था, रीडिंग टाइम पे, लिख कब रहे हैं, राइटिंग वाले टाइम पे, याद रखिएगा पहला आपको कॉम्पोजिशन ही अटेंड करना है, पहला कॉम्पोजिशन ही अटेंड करिएगा जब सेशन शुरू करेगा अपने इंग्लिश का। जी सही कह रहा हूं, सबसे पहले क्या करिएगा, इंग्लिश में कॉम्पोजिशन से ही अपना पेपर शुरू करिएगा, ठीक है। तो जब आप राइटिंग टाइम शुरू करेंगे तो टॉपिक का अपने आंसर शीट के लास्ट पेज में पेंसिल से, पेंसिल से क्या करेंगे, आउटलाइन तैयार करेंगे। आउटलाइन तैयार करने का एक तरीका मैंने दिखा दिया। देखिए अब आउटलाइन में लिखा है विंटर के बारे में, लिखा है विंटर कम्स आफ्टर ऑटम। याद रखिएगा जितना आप ऑर्डरली सीक्वेंस बनाएंगे, क्या चीज, लॉजिकल और ऑर्डरली सीक्वेंस बताएंगे, उतना आपका कॉम्पोजिशन अच्छा लगेगा। बहुत एब्रप्ट, बहुत सडन, बहुत सरप्राइजिंग चीजें मत डालिएगा, ठीक कह रहा हूं, बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट मत डालिएगा, बहुत सडन एंड भी मत करिएगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉर्मल, यस नॉर्मल लैंग्वेज लिखिए, जो आप डेली लैंग्वेज में बोलते हैं वही, उसी सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, बहुत फैंसी वर्ड्स, हाँ बहुत अजीब से हट के शब्द लाने की कोशिश मत करिए। अभी मैं डूज और डोंट्स बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये रहा देखिए आपने जो बुलेट पॉइंट फिक्स किया है, अब इसमें ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है तो ये आपका एंड लाइन है। ध्यान ये देना है कि कंक्लूजन पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपका सुपर सॉलिड होना चाहिए, ठीक सुन रहे हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत जबरदस्त होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रीडर का माइंड, यस रीड करने वाले को क्या करे, और रीड करने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए, समथिंग विच यू नो रीडर विल बी इंटरेस्टेड टू रीड मोर, और पढ़ू देखिए क्या लिखा है, ठीक है। और कंक्लूजन पार्ट में क्या करेंगे, सारी बात को समअप कर देंगे, एंड में सारी बातों को समअप करेंगे। कैसे करेंगे, मैं भी करके भी दिखा रहा हूं, एग्जांपल दिखाता हूं। अब आपको कुछ और चीजों का ध्यान देना है, जब टॉपिक लिख रहे होते हैं आपको अपने ऊपर सोचना है, क्या सोचना है, आपने क्या क्या साइट्स, क्या क्या सीन उस दौरान देखा जब आप ऐसे लिख रहे थे, ऐसे को आप लिखते समय जब सोचते हैं तो साइट उसकी सोचनी है ना, साइट मतलब होता है वहां उस दृश्य में क्या हो रहा होगा जिस बारे में लिख रहे हैं। हियरिंग मतलब आपको उसकी आवाजें सोचनी है, साउंड सोचना है, टच सोचना है, फील सोचना है उसका, स्मेल सोचना है, टेस्ट सोचना है। ये क्या है सर, ये आपके एसे को रेलिवेंट बनाने वाले पॉइंट्स हैं। कई बार क्या होता है मुझे ये, हम लोग को क्या होता है कुछ पॉइंट लिखने के बाद, हाँ जैसे जर्नी इन अ ट्रेन लिखना है, आप 10 लाइन लिखने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं, आप क्या लिखे। तो जब आप सोचने लगेंगे कि जर्नी इन अ ट्रेन या ट्रेन जर्नी पर आपको लिखना है, तो आप ये सब चीजें जब सोचने लगेंगे, फाइव डब्ल्यू और एक एच, पहले उस हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, आप उस समय क्या साइट्स देख रहे हैं, क्या क्या आवाजें सुन रहे हैं ट्रेन की जर्नी, क्या क्या आवाजें सुन रहे हैं, क्या क्या चीजें टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं और क्या क्या चीजें टेस्ट कर रहे हैं, वो सब जब आप लिखने लगेंगे तो ऐसे रियलिस्टिक लगे। ट्राई मेकिंग इट एज रियल एज पॉसिबल, ठीक है। आइए कुछ सिंपल रूल्स बताते जा रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, ये रूल्स आपको भी फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मिल जाए। मैं बता दूं एक क्लियर कट कि फुल मार्क्स मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। हाँ, पहले नहीं मिलते थे, एसेज में फुल मार्क्स नहीं मिलते थे, आजकल फुल मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की आंसर शीट देखी है जिनमें फुल मार्क्स पा लिए हैं, तो इसका मतलब है यू कैन डू इट। मेरे सुपरस्टार्स तो श्योर कर सकते हैं, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ, तुम लोगों को कह रहा हूँ, तुम में से बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स मुझे बताएंगे जब कि सर मैंने पूरा अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छे से किया, तो समझ जाएगा आपको पूरा। अच्छा भाई, एक हिंट और दे दूं कि जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ हम जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कॉपीज है, उनके बंडल्स अक्सर क्या होता है, हाँ थोड़ा साउथ आउटर एरिया में जाते हैं, आपके स्कूल से थोड़ा आउटर या साउथ एरिया में ज्यादा चले जाते हैं। हाँ, मतलब कहना चाहते हैं कि आपके टीचर्स नहीं चेक कर रहे होते हैं, दूसरे हाँ दूसरे रीजन के टीचर चेक कर रहे होते हैं, तो वहां पे स्कोर आपको अच्छे मिल जाते हैं। एक बेसिक आइडिया और बता दूं आपको, हाँ एक बेसिक बात बता दूं, रियल लाइफ की बात बता दूं, जो टीचर्स पेपर करेक्ट करने जा रहे होते हैं उनमें से कुछ टीचर्स आपके स्कूल के भी होते हैं, पर उनको आपके स्कूल का या आपके आसपास के स्कूल का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है चेक करने के। हाँ, जहां पे चेकिंग सेंटर होता है, जहां कॉपीज चेक होती है, वहां पर कॉपीज दूर दूर के सेंटर की कॉपी पोस्ट के द्वारा भेजी जाती है, समझ गया ना। और उन टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होता है, उनकी पहले ट्रेनिंग होती है, जो टीचर्स चेकिंग कर रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको बता दिया ये मैं, क्योंकि मैं हूं प्रिंसिपल तो इसलिए मैं बता पा रहा हूं आपको। हाँ, तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उनको बकायदा आंसर शीट दी जाती है, टीचर्स आर प्रोवाइडेड विद आंसर शीट्स जो चेकिंग करने जा रहे होते हैं, चेकर जो होते हैं, हाँ जो एग्जामिनर टीचर्स होते हैं उनको आंसर शीट दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसे आंसर शीट कहां मिलती होगी, नहीं नहीं ऐसे आंसर शीट नहीं मिलती है, बट दे आर गिवन अ जर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसे, और वो रिटन में मिलता है उनको, इसकी तरफ से बोर्ड की तरफ से हमारे काउंसिल की तरफ से उन्हें मिल जाता है, प्रिपेयर्ड आंसर शीट मिल जाती है, समझ गए। वो आंसर शीट में उनको ऑप्शंस दिए होते हैं कि अगर ये दोनों में से कुछ भी लिखेगा तो बच्चा आप नंबर दे दीजिएगा, समझ गए। कैसे चेकिंग करते हैं, उनकी बकायदा स्मार्ट बोर्ड पे ट्रेनिंग होती है, टीचर्स को बताया जाता है कि कैसे मार्क्स दें, कैसे मार्क्स काटे नहीं, कैसे मार्क्स दें। चलिए अब आते हैं वापस इस पॉइंट पे आते हैं, तो क्या सिंपल रूल है, सबसे पहला सिंपल रूल है नेवर यूज अ मेटाफर, सिमिली और फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, जिन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप प्लीज उन मेटाफर सिमिलीज को मत यूज करिए। ही रोर्ड लाइक अ लायन, ही रोर्ड लाइक अ लायन एक सिमिली है, सही है सिमिली, बट आपको पता नहीं है ही रोर्ड लाइक अ काउ लिख दिया आपने, क्या ही रोर्ड लाइक अ काउ, गाय की तरह से कैसे वो दहाड़ सकता है, गाय तो दहाड़ती नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, उसी सेंटेंस के मीनिंग्स को, मेटाफर्स को, सिमिलीज को, फिगर ऑफ स्पीच को लिखना है जो आपको अगर आता है। बहुत फैंसी बनाने की कोशिश मत करिएगा, कुछ लॉन्ग वर्ड्स आपको नहीं पता है, आप जबरदस्ती उसको लिखना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट। हां, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे टिपिकल वर्ड्स को लाने या लिखने की जरूरत नहीं है। हां, आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, किसी बड़े महान का कोई कोट लिखना चाहते हैं और आपको पता है उसका कोट, तो आप उसके नाम के साथ लिख दीजिए। ठीक सुन रहे हैं, अगर आपके एसे में, आपके कॉम्पोजिशन में किसी का कोटेशन, हाँ किसी बड़े महापुरुष की कोई वाणी आपको याद है, कोई स्टेटमेंट याद है, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हाँ सुभाष चंद्र बोस, याद आया ना, तो आपको ये पता था। तो अगर कहीं आपके एसे में कहीं फिट हो रहा है तो प्लीज जरूर लिखिए, इट इज वेरी गुड, क्योंकि ये सही है, एसे में फिट हो रहा है तो लिखिए, मैंने कहा। बट अब आपको किसी का नहीं पता है तो प्लीज डो नॉट राइट इट, मतलब रॉन्ग लिखने से अच्छा है आप न लिखें, बहुत लंबा लिखने से अच्छा है आप टू द पॉइंट लिखें, क्लियर। और क्या ध्यान देना है, इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट, अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई वर्ड आपका अननेसेसरी सेंटेंस को बड़ा बना रहा है, लेंदी बना रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कई बार ऐसा नोट किया जब मैंने कॉम्पोजिशन चेक किए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं तो वो लिखते रहते हैं एंड फिर आगे लिखते हैं दैट, फिर बिकॉज, एंड फिर सो, फिर ड्यू टू, और जोड़ते एक पैराग्राफ पूरा क्या करते हैं, 5 से 6 लाइन का पूरा लिख देते हैं बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। ये पहली मिस्टेक है, आपको नहीं करना। क्या नहीं करना है, बहुत लॉन्ग सेंटेंस मत लिखिए प्लीज। मैंने देखा है बाय चांस आपसे हो जाता है, आपको आइडियाज आ रहे होते हैं और आप उसमें क्या करते हो, सेंटेंस के पीछे कंजुगेशन लगा के जोड़ते चले जाते हो, एंड लगा के, बिकॉज लगा के, सो दैट लगा के, ड्यू टू लगा के, और आपका सेंटेंस खत्म कहां होता है, आपकी रेलगाड़ी खत्म होती है 5-6 लाइन के बाद। अरे नहीं, जितना शॉर्टर सेंटेंस लिखोगे, शॉर्ट अपने आइडियाज को क्या करना है, छोटे सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाइए, कॉमा लगाइए जहां नीड हो, हां जहां पंक्चुएशन मार्क्स लगाने की जरूरत है, आप कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा रहे हैं, हेलो है ना, नहीं लिखना ब्रेवो, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। मतलब कहना चाहते हैं ग्रामेटिकल चेक ज्यादा होता है, स्पेलिंग चेक ज्यादा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ यू प्लान योर एसे, आपका एसे कितना प्लान वे में लिखा गया है, बहुत लेंदी लिखना है इसलिए नहीं है, इसलिए मैंने पहले 5 मिनट आपके लिए मैंने कहा था पहले 5 मिनट आउटलाइन बनाने के लिए, बाकी 25 मिनट आप लिखेंगे, हाँ आप 30 मिनट फिर और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन टेक स्पेयर दैट 5 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर योर सेल्फ। क्या नहीं यूज करना, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, नेवर यूज अ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होती है, देखिए एप्पल इज ईटन बाय राम, मत लिखो भाई, ये क्या गड़बड़ लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखा जाता है, देखो राम ईट्स एप्पल, गॉट इट, आप सीधे बात बताइए ना, आप बात को घुमा करके बताना चाहते हैं, सोचने की लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, स्पेस भर जाएगी, प्लीज ज्यादा अच्छा है कि आप स्पेस मत भरिए, थोड़ा छोटा लिख दीजिए, बट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग मत लिखिए। हाँ, आई एम टेलिंग यू, वो फिर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, इरिटेटिंग हो जाती है, रीडर उसको पढ़ के बोर हो जाते हैं, एग्जामिनर बोर हो जाते हैं, ठीक है। पैसिव सेंटेंसेस को नहीं लिखना है बाय लगा करके, ठीक है, बाय जब लगा के लिखते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट को क्या करते हैं आप आखिरी में ले आते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। और फॉरेन फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स तो एकदम मत लिखिए। अब आपको लिखना है कि अ पेशेंट सफर्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेला,
अब इतना टिपिकल सेंटेंस, इतना टिपिकल वर्ड क्या होगा, हाँ एग्जामिनर को भी शायद पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड है। तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कर रहे हैं आप, कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो बहुत क्या होगा टेक्निकल वर्ड मत दीजिए क्योंकि वो डिक्शनरी नहीं यूज करेगा, वो सिंपली उस पर रेड लाइन खींच देगा। तो आप तो यहाँ बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं, वो उसको क्या करेगा, न समझते हुए मीनिंग को क्या करेगा, उस पर अंडरलाइन कर देगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक कॉपी चेक करनी है। ध्यान दीजिएगा, उसके पास 200 कॉपियां चेक करने को रहती है एट अ टाइम, इतनी कॉपी चेक करनी है, तो वो तो सिर्फ पट पट क्या करना है, एक लगाना है और नहीं समझा तो बस लाल लाइन खींच देनी है, उसको तो होली खेलनी है। हाँ, बट इट, तो वो होली आपकी कॉपी से ना खेल पाए, वो होली आपकी कॉपी से ना खेल पाए, उसमें खूब लाल रंग उड़ेल दे, हाँ, तो उसको ध्यान देना है आपको, क्या नहीं यूज करना है, समझ गया ना, फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन फ्रेजेस, टेक्निकल वर्ड जिसका बहुत ज्यादा टिपिकल मीनिंग है प्लीज नहीं, बल्कि उसके बदले आप सिंपल सिंपल लिख दीजिए। आइए एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं आपको, एक एग्जांपल ऑफ एसे मेरे पास है, मैंने आपके लिए लिया हुआ है कहीं से, ये एसे है वैल्यू ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ ये आपको रीड करना है, एक बहुत ही सिंपल और आसान सी भाषा में लिखा गया सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है इसका, इस पे लिखा गया एक कंपोजिशन है। देखिए मैं एक लाइन पढ़कर आपको समझाना चाहता हूं कि आप ऐसे नहीं करते हैं, ये मिस्टेक आपसे हो रही है, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को कवर करना है। ध्यान दीजिए, पहला देखिए सबसे बीच में क्या लिखना है, टॉपिक लिखनी है, ऐसे की हेडिंग लिखनी है, तो ऐसे की हेडिंग सेंटर में लिखेंगे आप लोग, नहीं लिख रहे थे तो प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज राइट दी हेडिंग एट दी सेंटर, हेडिंग अगर क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने मन से एक कैची हेडिंग बना लीजिए, सिंपल बनाइए, बहुत टिपिकल बनाने की कोशिश मत करिएगा, हेडिंग होनी चाहिए, टॉपिक होना, हेडिंग होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या आप गलती करते हैं, माय फ्रेंड ऑफन आस्क मी व्हाई आर यू सो केयरफ्री ऑल द टाइम, देखिए कितने अच्छे तरीके से क्या किया है, डायरेक्ट सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, माय फ्रेंड आस्क मी, कॉमा लगाया, देखिए पंक्चुएशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा में व्हाई आर यू ऑल द टाइम क्वेश्चन मार्क, हां व्हाई आर यू केयरफ्री ऑल द टाइम क्वेश्चन मार्क और अगेन इन्वर्टेड कॉमा, तो प्रॉपर ग्रामेटिकल, हाँ ग्रामेटिकल सेंटेंस लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, यही चेक होगा आपका। फिर क्या देखना है, देखिए द आंसर इज क्वाइट सिंपल, आई ओव माय केयरफ्री एटीट्यूड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या इंट्रोडक्शन दिया जबरदस्त, इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन है, पहली दो लाइनें कितनी जबरदस्त है, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम इतने केयरफ्री कैसे रहते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ये मेरा, मैं तुम लोग की स्टाइल में बोल रहा हूं कि ये मेरा स्टाइल है, मैं केयरफ्री, यस ये तुम लोग को भी रहना है, ये तुम्हारे लिए भी लेसन है कि तुमको भी क्या करना है, मेरे सारे सुपरस्टार्स को क्या रहना है, एग्जाम के समय में केयरफ्री रहना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं भी आ रहा है तो एकदम बोल्डली क्या करना है, लिख देना है, आपके एटीट्यूड में क्या हो जाना चाहिए, वो पॉजिटिव पर होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो पढ़ रहा हो आपका, हाँ मतलब आपका जो आंसर शीट रीड कर रहा हो एग्जामिनर, उसे महसूस हो जाए कि मेरे सुपरस्टार लिख रहे हैं, यस सर तरुण के सुपरस्टार लिख रहे हैं, ऐसा उसको फील हो जाए, तो इसके लिए फील कराने के लिए आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या लाना है, आपका केयरफुल एटीट्यूड क्यों होना चाहिए, ये मैं तो वापस ऐसे जा रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। अब आगे देखिए, पहला पैराग्राफ देखना है ध्यान से, नाउ सम पीपल मे से दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ फॉर्म ऑफ कंसीट, कंसीट मतलब होता है एक तरह का लोगों के सामने दिखावा, चीट, कंसीट डिसीट होता है, चीट होता है, एंड दे मे बी राइट, देखिए पंक्चुएशन मार्क ध्यान दीजिए, एवरीवेयर प्रॉपर यूज ऑफ कॉमा, पंक्चुएशन सेंटेंसेस है ना, ग्रामेटिकल कितना करेक्ट लिख रहा है, और सेंटेंस कैसे हैं, छोटे 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 सेंटेंस है, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है अपने लैंग्वेज को, अपने स्टेटमेंट को। आगे देखिए, हाउएवर माय सेल्फ कॉन्फिडेंस अलाउज मी टू फील रिलैक्स्ड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट अ टास्क आई फेस, सो इट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू मी, देखा पहला पैराग्राफ की कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आया, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे क्या बनाता है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे रिलैक्स रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, देखा वैल्यू आ गई पहले पैराग्राफ में। अब उसके बाद बॉडी ऑफ दी कंपोजिशन, पहला पैराग्राफ रिलेटेड और आगे के लिए क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, टॉपिक से बियॉन्ड मत जाइए, टॉपिक के अंदर ही रहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कंक्लूजन पैराग्राफ में आ रहा हूं, जरा कंक्लूजन पैराग्राफ देखते हैं, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, मैं यहां से पढ़ रहा हूं कंक्लूजन, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जरा देखिए तो, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट इवन इफ यू आर नॉट द बेस्ट इट डजंट मैटर, ये सब तुम पे अप्लाई होता है, Even if you are not the best, क्या करो, confident रहो, you can achieve your dreams and aim with a positive outlook on life. देखिए क्या जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज के साथ क्या हो रहा है, ऐसे आपका कंक्लूड हो रहा है, यही आपको भी करना, आपका कंक्लूजन समराइज करना चाहिए आपके टॉपिक को, आपकी टॉपिक आखिरी में आकर के क्या होनी चाहिए, वहां उसका आपका क्या निष्कर्ष निकला, आपने इस पढ़ करके क्या मीनिंग कंक्लूड किया, समझा, आपकी ओवरऑल आखिरी के कुछ पैराग्राफ, जरूरी दो लाइन का हो, आखिरी के जो लाइन से पैराग्राफ है उसमें क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आ रहे हैं वापस एक टॉपिक, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान अ कंपोजिशन, आपको दिक्कत आ रही थी ना, हाँ कि ऐसे कैसे प्लान करें, मैं आपको ऐसे प्लान कर रहा हूँ अभी और फिर आपको दूंगा ऐसे लिखने के लिए, और कल का सेशन जो होगा उसमें आज जो 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 पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ में होमवर्क देते जा रहा हूँ, यस हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक पे आपको होमवर्क दूंगा, हर एक टॉपिक पे आपको होमवर्क दूंगा और साथ में आपसे चेक भी कराऊंगा, ठीक है, हाँ कल का सेशन जो होगा वो चेकिंग पर भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो प्लान करना है कंपोजिशन, मैंने पहले बताया था, एक रफ आउटलाइन लिखना है, मैंने इस पर डिस्कस कर लिया आपके साथ, रफ आउटलाइन बनाना है, और क्या ध्यान देना है, इररिलेवेंट पॉइंट्स को, रिपीटिशंस को नहीं करना है, कोई चीज बार 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 मत लिखिए, अपना फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ, सेम 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 सेम, प्लीज 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 मत लिखिए, आपका एग्जामिनर बोर हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, और अरेंज द मटेरियल यू आर लेफ्ट विद इन लॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में लिखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहला 5 मिनट आउटलाइन लिखने में लगाइए,
ठीक है, वो 5 मिनट आपके 25 मिनट को क्या करेगा, सुपर फास्ट बना देगा। उस समय आप क्या करेंगे, अपने दिमाग को ज्यादा पेन नहीं देंगे। पहले 5 मिनट अगर आपने सोच लिया तो राइटिंग करते समय पहला 5 मिनट और स्टार्टिंग ही आपको कंपोजिशन से करनी है। अब क्या करना है, एन एसे मस्ट बी हैव डिस्टिंक्ट इंट्रोडक्शन, रिडक्शन पहले डिस्कस कर लिया, बॉडी एंड कंक्लूजन। याद रखिएगा आपके जो भी आइडियाज आ रहे हैं इसी को चेक करने के लिए लिखा गया है ये कंपोजिशन। नेक्स्ट है, कोशिश करिए आप किसी का चुराया हुआ कंटेंट, मतलब किसी दूसरे की कहानी, किसी दूसरे के आइडियाज को नहीं लिखें, और बिगनिंग कैची हो, पैराग्राफ कंपोजिशन कैची हो, और ध्यान देना है एंडिंग एब्रप्ट ना हो। एब्रप्ट मतलब सडन, अचानक क्या किया आपने, ऐसे बंद कर दिया, कंक्लूजन दिए बिना कि आपने जो टॉपिक लिखा, जिस बारे में लिखा हाँ उस पर कोई एंड नहीं बनाया, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट किया, लास्ट पैराग्राफ में मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आपका कंपोजिशन शुड एंड नेचुरली, और हर जगह क्या यूज करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यूज करना है। एक्टिव वॉइस में हाँ, वैसे एक्टिव पैसिव वॉइस को डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो में भी अपलोड किया है, आपने देखा है, बस एक आसान तरीका देखने का, टाइप करिए एक्टिव पैसिव वॉइस बाय सर तरुण रूपानी, मिल जाएगा। चलिए कुछ स्टेटमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो आपको सही नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, जैसे ही इज ऑफन नॉट वेरी ट्रूथफुल। अरे क्यों इतना घुमा घुमा के बता रहे हो बात, कहना चाहते हो कि वो अक्सर सच्चा नहीं है, अरे बोलो ना झूठा है वो, राइट, ही यूजुअली लाइज, काम खत्म, इतना घुमा क्यों रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत लैंग्वेज को मैंने कहा ना ऐसा घुमाना नहीं, आपको सिंपल लैंग्वेज देखना। आगे देखिए, ही डिड नॉट थिंक दैट स्टडिंग मैंडरिन वाज अ सेंसिबल वे टू यूज वन्स टाइम। अब देखिए क्या लिखा है, he thought studying Mandarin was a waste of time। यहां कह रहा है कि टाइम के लिए सेंसिबल नहीं है, अरे बोलो वेस्ट है टाइम भाई, और क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। आइए कुछ रिपीटेशंस एग्जांपल है, कुछ वर्ड्स हैं जो आप देखिए रिपीट करते हैं, तो omit needless words, keep related words together। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल भी ध्यान से देखिएगा, he noticed a large cut in the rug that was right in the center of the rug। तो ये बार बार रग रग रग, रग मतलब बुरा होता है एक्चुअली, एक बड़ा रफ कपड़ा होता है। तो he noticed a large cut right in the center of the rug, दो बार in the rug, center of the rug, अरे क्या जरूरत है भाई बार बार लिख रहे हो। देखा, ये ऐसे करने आपको समझ, इससे सेंटेंस क्या होगा आपका सिंपल भी लगेगा और रीडर क्या होगा उसको आगे पढ़ना चाहेगा। अच्छा नेक्स्ट है, आपको अपने एसे का टाइप डिसाइड करना जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ टॉपिक सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान देना है। ध्यान दीजिए फिर से, टॉपिक को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रोडक्शन आपके पूरे पहला पैराग्राफ आपके पूरे एसे की डायरेक्शन होता है। पहला पैराग्राफ डिसाइड कर देता है कि आपका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे है। ठीक है, इसीलिए पहले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन क्या होना, मेन आइडिया ऑफ दी एंटायर एसे बताता है। इसलिए मैंने कहा एग्जामिनर आपका पहला पैराग्राफ जरूर रीड करता है, पहला पैराग्राफ रीड करता है बहुत अच्छे से, कंक्लूजन पैराग्राफ अच्छे से रीड करता है और बॉडी में से कुछ पढ़ लेता है, पर फर्स्ट और लास्ट तो कंफर्म है, फुल हो सकता है ना पढ़े, आई एम नॉट टेलिंग ऑलवेज प्लीज, हो सकता है कि वो फुल ऐसे ना पढ़े, बट आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट को वो जरूर पढ़ते हैं, इसीलिए उसको सबसे अच्छे बनाने ध्यान देना है। टोन ऑफ द कंपोजिशन जैसा आप क्रिएट करेंगे वैसा ही रखिएगा। ठीक है, आइए बॉडी पे भी ध्यान देंगे, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन कैसा होगा, इंट्रोडक्शन तो डिस्कस कर लिया था, अब मेन है बॉडी ऑफ द सेंटेंस कंपोजिशन। जब आप बॉडी ऑफ द सेंटेंस लिख रहे हैं, कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो आपका हर पॉइंट, यस हर पैराग्राफ किसी पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। क्या चीज, किसी एक पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। जो आपने 5 W पढ़े थे ना मेरे साथ, तो व्हेन वेयर व्हाट, तो व्हेन पे एक पैराग्राफ हो गया, वेयर पे एक पैराग्राफ हो गया, व्हाई पे, व्हाट पे, हाउ पे, हु पे, समझ गए बॉडी कैसे बनाओगे। हाँ, और जो मैंने कहा विजन सोचोगे, साइट, हियरिंग, टच, वो उसके बीच में ऐड करते जाओगे। मतलब आपको क्या करना है, इन सब चीजों का ध्यान देना है, अपने अपने पार्ट को बताने के लिए जो आप प्रूफ देंगे वो साथ साथ में देते जाएंगे, किसी के कोटेशन होंगे वो देंगे, किसी का एग्जाम्पल होगा वो देंगे, कुछ अगर नंबर डाटा आपको मालूम है तो हाँ, किसी का फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो वो अगर आप दे रहे हैं तो उसे आपका ऐसे और रिलेवेंट होता है, हाँ और अच्छा हो जाएगा जब आपको ऐसा आपका डाटा मालूम होगा। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन मतलब समरी, क्या आपके पूरे एंडिंग की समरी। याद रखिएगा जब आप कंक्लूजन दे रहे होते हैं तो आपको बेसिकली ऊपर की सारी बातों को, जो आपने पहले ऐसे तक लिखा था लास्ट तक, उन सारी बातों को क्या करना है, एक सिंपल पैराग्राफ में अपनी अंडरस्टैंडिंग से कन्वर्ट। ठीक है, फाइनल सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि पूरी आइडिया उस पूरे पैसेज की, पूरे एसे की क्या होना चाहिए, आइडिया उसके अंदर आनी चाहिए। चलिए फिर आपको कंपोजिशन के बारे में, विंटर के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, आइए टाइप ऑफ एसेज बताता हूँ, किस किस टाइप ऑफ एसे आता है, हाँ किस किस टाइप का एसे आता है और आपको कौन सा करना चाहिए, मैं ये बताने जाऊंगा। ऐसे कौन सा आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन सा करेंगे, कौन सा करना चाहिए ये मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये आपको बहुत ध्यान देना है किस टाइप का एसे करना है। सबसे पहला आता है फैक्चुअल एसेज, फैक्चुअल एसेज में आपको फैक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताना, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे बीत चुका है, ठीक है ना, अब कैसे कैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, कब हुआ था पहली बार, ठीक है ना, ये है फैक्चुअल एसे। ठीक है, फैक्चुअल एसे आपको जरूर करना चाहिए, अगर फैक्चुअल ऐसे में आपको फैक्ट के बारे में पता है, जैसे आपको किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी है और आपको उसके फैक्ट्स पता है, फिगर्स पता है, नंबर्स पता है, आपको पता ही नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले कब मनाया गया था, हाँ तो क्या आप लिख पाएंगे उस पर, जवाब नहीं लिख पाएंगे। तो फैक्चुअल ऐसे तभी लिखना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आपको फैक्ट्स पता हो, इन्फॉर्मेशन जानकारी हो, जैसे पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 26 जनवरी 1930, हाँ कांग्रेस ने इसको मनाना शुरू किया था 26 जनवरी 1930 को, तो आपको पता तो होना चाहिए, अभी तो आप हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे लिख पाएंगे। और आजकल करंटली हमने क्या कर रहा है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया, तो आपके पास डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, अभी तो आप लिख पाएंगे कैसे शुरुआत हुई वो सारा पूरा बताना पड़ेगा। तो ये फैक्चुअल ऐसे करने चाहिए, शर्त एक ही है कि आपके पास उसके सही इन्फॉर्मेशन है, सही फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, तो ही लिखिए वरना मत लिखिए। नेक्स्ट आता है इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे भी आप कर सकते हैं। इमेजिनेटिव में कहेगा कि यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल,
क्या कहते हो, मजा आ जाएगा? उससे पूछोगे, अरे मैं तो ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल हूँ, फॉर पास्ट 10 इयर्स आई एम द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। मैंने ऑलरेडी बताया था कि आई एम अ प्रिंसिपल इन अ सीबीएसई स्कूल इन वाराणसी फॉर पास्ट 10 इयर्स। अच्छा, कई बार मुझे स्टूडेंट पूछते हैं, सर आईसीएसई बोर्ड कैसे पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, आई एम थ्रू आउट एन आईसीएसई स्टूडेंट, फ्रॉम एलकेजी टू 12th आई वाज एन आईसीएसई स्टूडेंट, कॉन्वेंट एजुकेटेड, मिशनरी स्कूल एजुकेटेड स्टूडेंट, एंड आई एम प्राउड टू से दैट। नेवरदलेस, आई एम ऑलवेज प्राउड टू से दैट, ठीक है, दैट माय वोकैबुलरी एंड माय यू नो इंग्लिश इज ऑल बिकॉज ऑफ माय टीचिंग्स ऑफ द मिशनरी स्कूल्स। दिस आई एम वेरी प्राउड टू से अबाउट। What my message is, कि ऐसे में आ गया, तो I was teaching in ICSE school for many, many, many years. For many, many, many years I was teaching, but I happened to be a principal in the CBSE school. तो imaginative ऐसे अगर आपको आता है, आपको किसी situation को imagine करना है, आपको कोई information के बारे में सोचना है, तो जितना हो सके, जितना हो सके इसको लिखिए, क्योंकि imagination आपकी है और आप कुछ भी fact की जरूरत नहीं है, कुछ भी information आपके मन में जो आ रहा है तब लिखिए, इस पर पूरा मार्क्स मिलने वाला है। Imagine that you are a principal of your school, write an essay. What you will do and how you will do. क्या कहते हो? क्या मजेदार ऐसे नहीं होगा लिखने पे? लिए तुमको मजा नहीं आएगा सोच करके लिखने पे? चलिए लिखिएगा, है ना? ऐसे मैं आपको टॉपिक दूंगा, इसके अलावा टॉपिक दूंगा क्या लिखने के लिए, होमवर्क ले दूंगा, तो ये करिएगा, इमेजिनेटिव ऐसे करने चाहिए। अब आता है, ऐसे आता है इसी टॉपिक के अंदर की नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे में आप किसी का नरेशन करते हैं। नरेशन क्या होता है? कोई एक सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे होते हैं, आप उसको बताते हो। जैसे एग्जांपल है अ डे इन द पार्क, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अ डे इन द पार्क। तो आप पार्क में गए, मॉर्निंग में गए, लेट्स से आप पार्क में गए मॉर्निंग में, देखा कि जॉगर्स पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, कुछ लोग योगा करने आ रहे हैं, सबका मॉर्निंग का इवेंट डिस्क्राइब कर दिया आपने, देखा कि व्हाट व्हेन वेयर व्हाय हु और हाउ, आपने पूरा डिटेल दिखा दिया, और आपने क्या क्या साइट्स सोचे, है ना, इमेजिन किया, क्या क्या साइट देखा था आपने, क्या क्या आवाजें सुनी थी, क्या क्या आवाजें सुनी थी, हियरिंग्स, क्या क्या आपने टच किया था, क्या क्या फील किया था, वो सब आपने सोचा और अपने ऐसे को बना दिया। याद रखिएगा, ये ऐसे क्योंकि एक सीरीज में लिखा है, तो आपने क्या करना है, डे के एंड से लेकर के इवनिंग तक या रात तक, जब तक पार्क ओपन होता है तब तक के इंसिडेंट बता दिए, काम खत्म, अ डे इन द पार्क। आसान, सिर्फ पार्क के बारे में बैठना है, सोचना है कि मैं पार्क में बैठा हूं अंदर, या मैं पार्क के अंदर हूं, और लिख डालना है ना, कितना आसान टॉपिक, बट सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीरीज को अरेंज, लॉजिकल सेंटेंसेस के रूप में लिखना है, ग्रामेटिकली सही लिखिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले। तो नैरेटिव एसेज जरूर करिए, जरूर करिए। एक मेमोरेबल वेडिंग का एग्जांपल दिया, मैं तो कई बार जर्नी इन ट्रेन बता रहा हूं, तो ये सब क्या कर सकते हैं, आपको रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने के लिए भी दूंगा, आई विल गिव यू द टॉपिक्स टू रीड, आई विल गिव यू सम एसेज टू रीड, एंड आई विल गिव यू सम होमवर्क आल्सो। चलिए, डिस्क्रिप्टिव एसेज की बात कर रहे थे, डिस्क्रिप्टिव एसे डिस्क्राइब करते हैं किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, पर्सन को, ये भी आप जरूर करें। ड्रीम को डिस्क्राइब करना है, फेवरेट वेकेशन को डिस्क्राइब करना, आई एम वेरी श्योर ये आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपको करना भी चाहिए। आइए, अब आ रहे हैं टॉपिक जो आपको अब समझना है। पहले एक टॉपिक है, नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज। सर, ये आर्ग्यूमेंटेटिव कैसे ऐसे होते हैं, वो एसेज जिसको डिबेट का टॉपिक होता है, शुड यू डू दिस और दैट। जैसे कोई डू और डोंट्स वाले ऐसे आते हैं जिसमें पूछा जाता है ना आपसे कि आप फॉर में हैं कि अगेंस्ट में है, ऐसे ऐसे इसको कोशिश करिए तो अवॉइड करिए, कोशिश करिए तो अवॉइड करिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट मतलब होता है किसी पर आपने विचार प्रकट करना, अपना ओपिनियन देना, और वो ओपिनियन ओपिनियन पे स्टिक रहना, क्लियर है? आपकी ओपिनियन जो भी होने चाहिए, साथ में उसके पीछे आपके कुछ रीजन होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दू, शुड, चलो एक एग्जाम्पल अपने मन से कह रहा हूँ, शुड वुमेन्स बी अलाउड टू वर्क लेट नाइट, बड़ा टिपिकल टॉपिक सर आपने दे दिया है, टिपिकल टॉपिक है। क्या क्वेश्चन था मेरा? Should women be allowed to work late night? क्या औरतों को रात में काम करने की अनुमति हो, जाए ऑफिसेस में काम करें? आप कहेंगे सर यस, होना चाहिए। और तो अगर आप फॉर दे रहे हैं तो आपको उसके पीछे डाटा देना पड़ेगा। डाटा क्या देंगे, फैक्ट क्या देंगे कि वुमेन्स की इनकम कितनी है और आउट नाइट टाइम देंगे तो कितनी इनकम बढ़ जाएगी? आपके पास डाटा है, जवाब आपके पास डाटा। क्या आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट 10 फिगर्स हैं जो आपकी लॉजिक को प्रूव करते हो? देखा, इसीलिए इस टॉपिक को मैं कह रहा हूँ बहुत संभल के करना है। कोशिश तो यही कहूंगा आपसे कि आप इस टॉपिक को अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर आप जिस टॉपिक पर हैं, फॉर पे लिख रहे हैं उस टॉपिक के, तो आप फॉर पे ही लिखते रहेंगे। कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, फॉर के बारे में बताते हुए और नो क्यों लिया, सॉरी फॉर क्यों किया आपने, इस पे आप डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए बहुत सेलेक्टिव रहिएगा इस टॉपिक के साथ, इस टॉपिक में आपको रिस्क है, इसीलिए हो सके तो इसको अवॉइड करिए। जब आपको लगे कि देयर इज नो अदर थिंग तब आइएगा, लिखने की कोशिश पहले नहीं करिएगा इसकी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, रिफ्लेक्टिव एसेज अगेन लिख सकते हैं, मतलब आपको पास्ट टेंस में सारा लिखना है, जो जो आपके साथ घटना घटी उसको लिखना है। क्रिटिकल एसेज ये भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल एसेज भी लिख सकते हैं जिसमें किसी के बारे में आपको क्या होता है, क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, ठीक है? कोई बुक है, कोई फिल्म है आपने देखी है, उसके बारे में लिखना है, दिस इज वेरी आता है स्टोरी, वो लिख सकते हैं, मैंने बता दिया टॉपिक। आता है शॉर्ट स्टोरी, पिक्चर बेस्ड स्टोरी आपको हमेशा आती है, हर पेपर में आती है, एक पिक्चर दे देगा, प्लीज क्या नहीं करना है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, पिक्चर तो देख के समझ में आ जाता है, पर पिक्चर के बाद की बात कर, जो पिक्चर है उसको आप ओरिजिनल स्टोरी बना पाते हैं, जवाब नहीं। तो अगर आप कहीं की स्टोरी कॉपी करके लिख देते हैं तो आपको क्या लगता है, एग्जामिनर नहीं जानता है क्या? आपको कोई मूवी समझ में आ रही है उसके अंदर, आपको कोई आपकी कोई बुक पड़ी हुई जो आपके सिलेबस की है? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है कि अपने स्कूल की कोई आंसर की स्टोरी लिख देते हैं, जो आपके सिलेबस की स्टोरी है वही उसमें लिख देते हैं। प्लीज 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 अपने सिलेबस तो छोड़ दीजिए, किसी और भी जो स्टोरी बुक से आपने पढ़ी कोई पॉपुलर स्टोरी है वो मत लिखिए, क्योंकि नंबर आपको नहीं मिले।
स्टोरी में क्या होता है, करेक्टर्स होते हैं, स्टोरी में उन करेक्टर्स के बीच में इंटरप्ले होता है, उनके बीच में डायलॉग्स होते हैं, उनके बीच के रिलेशन को स्टडी करना होता है, और स्टोरी एक नरेटिव फॉर्म में होती है जिसमें आपको एंड बनाना होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द पिक्चर। एंड ये बहुत टिपिकल टास्क है, प्लीज 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 इसको तो एकदम अटेंड करिए, या इसको तो एकदम अटेंड करिए, क्योंकि स्टोरी आप बहुत कैची नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखिए आप लोग स्टोरी लिखने वाले नहीं है ना, क्या आप लोग स्टोरी लिखते हैं क्या आम लाइफ में, क्या आप लोग स्टोरी राइटर हैं, क्या आपने कभी न्यूज़पेपर के लिए, कभी स्कूल की मैगजीन के लिए स्टोरी लिखा है क्या, सच बताइए। हाँ, इफ यू आर एन एविड राइटर, आप सच में एक अच्छे स्टोरी राइटर हैं, आप बुक्स के लिए, स्कूल्स के, मैगजीन्स के लिए, या इवन न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते रहे हैं, देन आई एम श्योर आप लिख पाएंगे। बट आपके पास करेक्टर्स होने चाहिए, हर स्टोरी में कुछ पात्र होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर का करेक्टर स्केच होता है, पर क्या आप कर पाएंगे, जवाब नहीं। तो इसीलिए स्टोरी बेस्ड टॉपिक क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं टेक्चुअल एसेस के बारे में, टॉपिक दिया है, एग्जांपल दिया है कि जब टेक्चुअल एसेस करते हैं तो कैसे करते हैं। टेक्चुअल मतलब बता दिया, इन्फॉर्मेटिव एसेस जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, याद रखिएगा वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट ट्रू होनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन से नहीं होनी चाहिए। जब आप फैक्ट लिखते हैं तो सही सच्चाई वाली बात होनी चाहिए, ट्रुथ पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक सेलेक्ट करिए, फैक्ट गैदर करिए, फैक्ट आपसे रिलेटेड होना चाहिए, फैक्ट के अंदर जो आप स्टैटिस्टिक्स डाटा लिख रहे हैं या कोई फाइंडिंग लिख रहे हैं या किसी पेज या हिस्ट्री का कोई जिक्र कर रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए। किसी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में लिख रहे हैं, किसी बड़े मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो वो सब रियल होना चाहिए, सही होना चाहिए, आपको आप श्योर हो तो ही आप दीजिएगा, ध्यान दीजिए इस चीज को, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, पैराग्राफ में टॉपिक्स लिखिए जितना ज्यादा हो सके, आप बहुत लेंथी पैराग्राफ मत बनाइए, समटाइम्स यू मेक अ टू बिग अ पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ 20-25 लाइन का हो जाता है, प्लीज प्लीज 5-6 लाइन 7 लाइन इज इनफ फॉर अ पैराग्राफ, दैट नॉट मोर देन दैट, आफ्टर 5-6-7 लाइंस पैराग्राफ चेंज करना बराबर करिए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर ऑफ पैराग्राफ बढ़ाइए, ट्राई टू राइट मोर एंड मोर पैराग्राफ्स, राइटिंग में लॉजिक, राइटिंग में सीक्वेंस बना के रखिए। आइए, एक ऐसे मैं और आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, कि आप सब चाहते हैं कि मैं ये सारा ऐसे की टॉपिक, ये सारा जो मैंने इन्फॉर्मेशन जो निकाली है आपके लिए, ये आपको देना चाहता हूं, ये आप चाहते हैं मिल जाए तो एक जोरदार लाइक मुझे दे सकते हैं अभी तुरंत, हाँ लाइक दे सकते हैं, मैं आपको ये सारा रीडिंग के लिए दे दूंगा, ये सब मैंने आपके लिए, यस मेरे सुपर स्टार्स के लिए निकाला है, और इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आने वाले हैं, हाँ इस टॉपिक में आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक टॉपिक दिया हुआ है, अ कैरियर टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग, हाँ ये तो टॉपिक लगता है तुम लोग से मिलता जुलता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। देखिए पहला पैराग्राफ देखिए कैसा लिखा है, हेडिंग दिया कि नहीं, सबसे पहले हेडिंग देना है, टाइटल देना है आपको, मेनी टीनेजर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कंटेम्पलेटिंग, मतलब थिंकिंग कंटेम्पलेटिंग दैट कंटेम्पलेटिंग व्हाट दे वांट टू डू व्हेन दे ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल। देखिए सेंटेंस खत्म, फिनिश, हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाइए, आई एम सीइंग मेनी ऑफ टाइम्स आप फुल स्टॉप भी लगाना भूल जाते हैं, प्लीज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करिए, नंबर कटते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अवॉइड करना है, इंग्लिश ग्रामर में कटेगा मार्क्स। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू रियलाइज दैट इजिली, देखिए क्या लगा दिया इजली के बाद, तो पंक्चुएशन मार्क लगा दिए, कोलन सेमी कोलन जहां जहां लग रहा है, हाँ फुल स्टॉप कॉमा जहां जहां लग रहा है प्लीज पुट करिए। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू रियलाइज दैट इजली आई डिसाइडेड टू बिकम अ वेटरनेरियन व्हेन आई वाज 2 or 3 ईयर, देखा यहां पर कैरियर बता दिया, क्या बनना चाहता है ये वेटरनेरियन, ये वेट कौन होते हैं, अरे जानवरों का डॉक्टर होता है, ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमंस एनिमल्स डिजर्व विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी दे शुड बी ट्रीटेड, देखिए एक एक लाइन को क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट लाइन लिख रहा है, देखिए यू कैन सी यहां फुल स्टॉप से स्टार्ट किया, यहां फुल स्टॉप पे एंड किया, फॉर दिस देखिए आप कितना ध्यान दिया जा रहा है, हर एक जगह जहां जरूरत पड़ रही है वहां पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपरली लगाया जा रहा है, ये सब आप अपने एसेस जब आप अपना कंपोजिशन लिखेंगे। फॉर दिस आई एम डूइंग ऑल आई कैन एट स्कूल टू ले ग्राउंड वर्क ऑफ फॉर माय सक्सेस, वंस आई गेट इन कॉलेज आई विल स्टडी एंड लर्न अबाउट ट्रीटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स, देखा शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत बड़े बहुत लॉन्ग सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं एक सेंटेंस जिसके अंदर पूरा मीनिंग आ रहा है, ऐसे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, तो टू लॉन्ग मत बनाइए, ठीक है। आई विल बी, मैं बस पहला पैराग्राफ लूंगा, आई विल बी हैप्पीएस्ट एज अ वेटरनेरियन बिकॉज व्हेन एनिमल्स विल नीड माय असिस्टेंस आई नो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प, तो दिस इज हाउ कैरियर, ठीक है, कैरियर के बारे में स्टार्टिंग हो गई, ठीक है ना, एक कैरियर बताना है जो जिंदगी को जीने लायक बनाता है, तो इसमें एक स्टूडेंट का है ना अपना व्यू पॉइंट है, ऐसे ऐसे इसको तो जरूर करा, हाँ क्योंकि आप जो भी लिखेंगे इसके लिए ना कोई फैक्ट की जरूरत है, हाँ ना किसी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, ना कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ना इसमें कॉज है, हाँ मतलब ना आपको फॉर बोलना है ना अगेंस्ट बोलना है, एकदम लिख डालिए, एकदम झकास ऐसे है, हाँ लिख डालिए एकदम से, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे और ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेंगे लॉजिकल लिखेंगे एकदम नंबर मिलने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई चैलेंजिंग थॉट नहीं आ रहा है कोई, ठीक है। अगेन ये तो कुछ कॉमन ऐसे है, मुझे लगता है ज्योग्राफी वाले ऐसे हैं, सोलर एनर्जी, अब ज्योग्राफी तो आपको बहुत अच्छी है, हाँ आपने मेरे साथ ज्योग्राफी प्रिपेयर भी की है, बस उठा डालो उसके सारे पॉइंट्स, समझ गया ना, देखिए सोलर एनर्जी पे लिखना है, सोलर एनर्जी पे तो आप खूब जम के लिख पाएंगे, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बना डालो खूब सारा, ऐसे ऐसे आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं खूब सारा।